सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिसका नाम है द बीस पोस्ट। आज हम लोग बात करेंगे टॉप 5 आईएसएल कोचेस ऑफ ऑल टाइम। तो जो नंबर 5 पे है वो है सर्जियो लोबेरा। सो सर्जियो लोबेरा इस साल एफसी गोवा के कोच थे और मिड सीजन में उनको एफसी गोवा के कोचिंग से निकाल लिया गया, वरना मुझे लगता है कि सर्जियो लोबेरा एफसी गोवा को आराम से इस साल जिता सकते थे या फिर फाइनल तक तो लेके जा ही सकते थे। सो मुझे लगता है कि सर्जियो लोबेरा एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड कोच है और उनको पता है कि किस प्लेयर को कहाँ खिलाना होता है और यंग प्लेयर्स को उठाने में सर्जियो लोबेरा एकदम मास्टर है। और इस साल वो मुंबई सिटी एफसी में है, सो एक बड़ा लॉस है ये एफसी गोवा के लिए, क्योंकि वो सर्जियो लोबेरा बहुत ही अच्छा कोच था। और मुंबई सिटी एफसी में हम लोग को देखना पड़ेगा कि वो कैसे कोचिंग करवाते हैं, क्योंकि मुंबई सिटी एफसी इस साल मैनचेस्टर सिटी या फिर सिटी ग्रुप के साथ वो लोग कोलैब हुए हैं या फिर स्पॉन्सरशिप पार्टनरशिप आप बोल सकते हो। तो सर्जियो लोबेरा को उसके बाद खरीदा गया मुंबई सिटी एफसी की तरफ से, तो एक बहुत ही बढ़िया कोच, इंटरनेशनल रिकॉर्ड बहुत अच्छा है इससे प्रीवियस क्लब्स के रिकॉर्ड। सो सर्जियो लोबेरा डिजर्व्स टू विन टॉप 5। तो जो नंबर 4 पे है वो है जॉन ग्रेगरी। जी हाँ, जॉन ग्रेगरी ने चेन्नई सिटी एफसी को एक बार आईएसएल चैंपियन करवाया था 2017-18 के सीजन में। सो हाँ, उस साल उन्होंने चैंपियन भी करवाया था, आईएसएल कोच ऑफ द ईयर भी बने थे और बहुत ही बढ़िया कोच है जॉन ग्रेगरी। उसके बाद जॉन ग्रेगरी को उतना कुछ मौका मिला नहीं आईएसएल क्लब्स की तरफ से और अभी तो वो वैसे भी कोई क्लब्स को कोचिंग करवा नहीं रहे। बट जॉन ग्रेगरी एक ब्यूटीफुल कोच, ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी के साथ खेलते हैं जॉन ग्रेगरी और बहुत ही अच्छा फॉरेन प्लेयर्स और यंग प्लेयर्स का कम्बिनेशन वो लोग जॉन ग्रेगरी लाते, क्योंकि जॉन ग्रेगरी थे जिन्होंने मेंडोजा को लाया था। सो जॉन ग्रेगरी इज अ ग्रेट कोच और उनको प्लेयर उठाना बहुत अच्छे से आता है। सो जो नंबर 3 पे है वो है जीको। रखना ही पड़ेगा क्योंकि जीको ने एफसी गोवा का जो पूरा व्यू है वो पूरा चेंज किया था। जीको मतलब एक ऐसा कोच है जिसको अगर मैं इस टॉप 5 में नहीं रखूँ तो ये लिस्ट इनकम्प्लीट होगा। जीको का शायद उतना कुछ ज़्यादा खास परफॉर्मेंस, मतलब एज अ कोच एफसी गोवा का कुछ ज़्यादा मतलब अचीवमेंट नहीं है। जीको ने एफसी गोवा को सिर्फ आईएसएल फाइनल तक ही लेके गए थे, बट जीको सिर्फ एकमात्र ऐसे कोच है जो एफसी गोवा को फाइनल तक लेके गए। और जीको ने एफसी गोवा का जो पूरा सिस्टम है वो बदल दिया, यंग प्लेयर्स मतलब ही इज वन ऑफ द फर्स्ट कोच जिन्होंने यंग प्लेयर्स को ऊपर ज्यादा फोकस किया रैदर देन फॉरेन प्लेयर्स। और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, गेम प्ले देखने में अच्छा लगता था जीको का और जीको का कोचिंग स्टाइल बिल्कुल ही अलग था। सो जीको डिजर्व्स टू बी टॉप 5। सो 3 नंबर में जीको। सो दूसरे नंबर पे है एल्बर्ट रोका। मतलब नो डाउट कि एल्बर्ट रोका को इस लिस्ट में रखना था, क्योंकि एल्बर्ट रोका था उस टाइम का बेंगलुरु एफसी का कोच जिस टाइम बेंगलुरु एफसी को एल्बर्ट रोका ने एकदम पीक पे पहुंचाया था। सो मैं कुछ अचीवमेंट्स बता देता हूँ। आई लीग चैंपियन, एफसी कप फाइनल आज तक कोई क्लब नहीं पहुंच पाया और बेंगलुरु एफसी ने फर्स्ट टाइम में वो किया था और एल्बर्ट रोका के अंडर। और इस साल तो बेंगलुरु एफसी ने मतलब प्लेऑफ से ही हट गए, क्वालिफायर ग्रुप स्टेज में क्वालिफाई करने के लिए जो प्लेयर उसी से नॉकआउट हो गए। सो हाँ, मतलब ये कोच के अंडर बेंगलुरु एफसी एकदम टॉप में था, पीक में, आईएसएल फाइनल में भी खेले, फेडरेशन कप भी जीता था। सो एक्सीलेंट कोच, एक्सीलेंट स्ट्रेटजीज। इनका भी मेन फोकस सिर्फ यंग प्लेयर्स था और इनका मेन फोकस फॉरेन प्लेयर्स भी नहीं था, बट इन्होंने जितने फॉरेन प्लेयर्स उठाए एकदम टॉप क्लास। एडू गार्सिया एल्बर्ट रोका के अंडर ही आए थे और एडू गार्सिया, मुझे लगता है एल्बर्ट रोका नहीं होते तो एडू गार्सिया आज इंडियन सर्किट में नहीं खेल रहे होते, क्योंकि एडू गार्सिया बहुत ही अच्छा प्लेयर है और एल्बर्ट रोका ने उठाया था एडू गार्सिया को मतलब इंडिया में लाने के पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ है। अब नंबर 1 से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस। ओएन कॉयल जो कि उड़ीसा सी के इस साल कोच थे और अभी भी रहेंगे, उसके बाद जोसेफ गंबाओ, डेविड जेम्स, एल्को शटोरी, और मैं एक मिस्टेक किया, मैं ठीक कर देता हूँ, वो ओएन कॉयल एक्चुअली चेन्नई सिटी एफसी के कोच है और जोसेफ गंबाओ उड़ीसा सी के कोच है, हो जाता है गलती, कोई बात नहीं। सो नंबर 1 नो डाउट अनडाउटेडली अनकंटेस्टेड हाबास, एंटोनियो लोपेस हाबास, कोई कंपटीशन भी नहीं मरता इसके अगेंस्ट में, क्योंकि हाबास ने एटीके को 2 बार आईएसएल चैंपियन करवाया है, उसके बाद एक बार सेमीफाइनल में भी लेके गए, उसके बाद पुणे में गए थे बट उतना उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था पुणे में। बट हाबास डिजर्व टू बी नंबर 1। एक्सीलेंट स्ट्रैटेजी, बिल्कुल ही अलग टाइप का स्ट्रैटेजी, हम लोगों ने आज तक कभी नहीं देखा था वैसा स्ट्रैटेजी इंडियन फुटबॉल में, और हाबास ने वो स्ट्रैटेजी लाया और कमाल ही कर दिया, मतलब बिल्कुल खा गया इंडियन
फैंस को और कोलकाता के फैंस को मेनली। सो हाँ, हबास डिजर्व्स टू बी नंबर वन एंड ही इज इन नंबर वन। सो ये थे टॉप फाइव लिस्ट और कुछ ऑनरेबल मेंशंस के साथ। सो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और आपको क्या लगता है कि इनमें से मैंने कौन सा नाम मिस किया, या फिर आपको क्या लगता है कि कौन नंबर वन डिजर्व करता है, सो कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।